नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको कुछ ऐसे छोटे उपाय बताने वाला हूँ जिससे घर में आपके खुशी आएगी, बहुत अच्छा माहौल रहेगा, बहुत प्रसन्न वातावरण रहेगा, खुशहाली रहेगी, आपकी बरकत होगी, पैसा आएगा, सभी चीजें। तो ये क्या छोटी चीजें हैं, क्या छोटे उपाय है, ये हम देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसको प्लीज वीडियो के एंड में प्रेस कीजिए और इसको आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं मुख्य दिशाएं, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूर्व और वेस्ट यानी पश्चिम। ये हुए वास्तु की मुख्य दिशाएं। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि घर की शांति क्यों भंग हो रही है, घर के अंदर तनाव क्यों बन रहा है। घर में हमने सभी चीजें वास्तु के अनुसार फॉलो करने का ट्राई किया है तो तनाव क्यों हो रहा है, रिश्तों में उदासीनता आ रही है। ऐसे में घर में खुशियां वापस लाने के लिए कुछ बेसिक वास्तु टिप्स है। घर में वातावरण या फिर जो कुछ है उसको हम कैसे फ्रेश रख सकते हैं, तो जानती है कि हम घर का माहौल कैसा अच्छा रख सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो घर की पॉजिटिविटी बहुत अच्छे से बढ़ाती है, पूरा वातावरण अच्छा बनाती है। हफ्ते में एक बार घर में आपको जो गूगल होता है, जो हम यज्ञ कुंड में डालते हैं गूगल, ये गूगल एक बार तो भी जलाना है। इसका धुआं होता है, ये धुआं पूरे जो निगेटिव एनर्जी है वो कम करता है। ये बहुत जरूरी है गूगल घर में जलाना। जब भी घर में हवन होता है, कुछ होता है, या फिर आप घर में रोज हवन करते हो, सूर्य हवन करते हो या श्री सूक्त हवन करते हो, तो आप हवन के एंड में गूगल अगर उस कुंड में डालते हो या फिर आप कपूर के साथ में भी ये जला सकते हो, तो गूगल अगर आप जलाते हो घर में तो घर की जो वातावरण है, जो हवा है, वह बहुत ही अच्छी बनेगी। घर के उत्तर और दक्षिण कोने में, उत्तर और दक्षिण, ये उत्तर ये दक्षिण, यानी कि आपको लगाना ऐसा है, साउथ की वॉल पर आप लगा सकते हो दौड़ते हुए घोड़े का फोटो। ये जो घोड़े की तस्वीर है दोस्तों, इसका मेरा दूसरा एक वीडियो है, आप डिटेल में देख सकते हो कि कैसा लगाना है, कहां पर लगाना है, किस टाइप का, कितने घोड़े होने चाहिए, ये सभी डिटेलिंग उसमें दी है। मोस्टली 7 हॉर्स का अच्छा माना जाता है, 7 इज द न्यूट्रल नंबर, वो सभी के लिए अच्छा होता है। तो 7 हॉर्स का फोटो आप लगा सकते हैं, अच्छा रहता है। वो पानी के साथ में होता है, समंदर में दौड़ते हैं तो उसको बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। तो ये सभी चीजें हैं, वो डिटेलिंग मेरे दूसरे वीडियो में दिया है। लेकिन घोड़े का फोटो प्रॉपर प्लेस पर अगर आप लगाते हो तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। घर में सवेरे और शाम में आपको तेल का और घी का दीपक लगाना है, तेल और घी का दीपक। अभी घी जो है, ये आपको गाय के घी का दीपक लगाना है, और जो तेल है ये या तो आप सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हैं या फिर तिल के तेल का, कौन सा भी, या फिर आप जो भी तेल का दीपक लगाते हैं, जनरली रिकमेंड करते हैं सरसों या तिल के तेल का, बट आप घर के जो खाने में इस्तेमाल करते हैं वो तेल का लगाते हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन दीपक लगाना जरूरी है। आपने पूजा घर में एक बल्ब लगा के रखा होगा, ठीक है, वो बल्ब आप लगा के रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, उसको रेड कलर का नहीं लगाना है सिर्फ, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन होता है जहां पर पूजा रूम होता है, वहां पर रेड कलर अच्छा नहीं होता है, तो वो बल्ब रेड कलर का नहीं लगाना है। वहां पर बल्ब होगा लेकिन फिर भी दिन में एटलीस्ट एक बार तो भी, दो बार लगाया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक बार तो भी आपको वहां पर दीपक लगाना है, ये ध्यान में रखना है। ये बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने में मदद करता है। घर में जो भी टूटी फूटी चीजें हैं वो आपको बाहर फेंक देना है, जो भी टूटी फूटी चीजें हैं उसको आप तुरंत घर के बाहर निकाल दीजिए, चाहे वो भगवान की मूर्ति है टूटी फूटी, या फिर आपका आईना है, या ग्लास है, या चाय का कप है, या कुछ भी है, जो भी टूटी फूटी चीजें है उसको तुरंत घर के बाहर आपको निकाल फेंकना है।
इसके बाद में आता है तुलसी के पास में दिया लगाना। जो तुलसी का पेड़ आपके घर में है वो होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में, आप जिसकी पूजा करने वाले हो उस पेड़ को नॉर्थ ईस्ट में रखना है। ये पेड़ नॉर्थ ईस्ट में रख के सवेरे आप उसको जल चढ़ाइए। जब आप सूर्य अर्घ देते होंगे तो वो पानी जमीन पर गिरने से अच्छा है कि आप वो गमले में गिरने दो, तुलसी के गमले में गिरेगा तो भी अच्छा है। सवेरे और शाम में तुलसी के पास में आपको दिया लगाना है। घी का लगाओगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर तेल का लगाइए, लेकिन दिया लगाइए तुलसी के पास में। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों, 5-6 चीजें, ये बहुत थोड़े से टाइम में होगी, रूटीन में हो जाएगी। ये अगर आप डेली रूटीन में आपके कुछ चीजें फिक्स कर दोगे, जैसे साफ सफाई रखना, तेल का दीपक, घी का दीपक, तुलसी के पास में दीपक, ये सब चीजें आप आपके रूटीन में एडजस्ट करोगे तो आपको बहुत इसका कुछ अलग करने का भी जरूरत नहीं है और अच्छा खासा फायदा आपको इससे मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसको प्लीज प्रेस कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।